हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है अनुप्रिया। रोटा रिवर देख रहे हैं, देखो राइट में, देखो ना गंगा रिवर। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये वीडियो मेरे ससुराल का है। जब मैं ससुराल से अपने मायके वापस पटना जा रही हूँ, मेरा ससुराल पनसल्ला है जो भागलपुर में है, तो मैं वहीं का वीडियो आपको बना रही हूँ। वहाँ के रास्ते जो हमने लिए हैं और पटना पहुँचने तक का जो भी हमारा सफ़र है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए मेरे साथ। ये मेरे गाँव के रास्ते हैं, मेरे ससुराल का रास्ता। ये आम के बगीचे हैं बगल में, कुछ बगीचे हमारे भी होंगे वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो नज़ारा था और ये जो व्यू था, शहर से दूर और भीड़ भाड़ से दूर, बहुत शांत एरिया, ग्रीनरी काफ़ी था, जो बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आएगा। दूर दूर तक कोई भी घर नहीं, सिर्फ पौधे, सब्जियों के पौधे, पेड़ और आम के पेड़ वहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि भागलपुर में आप जानते ही होंगे आम वहाँ का ज़्यादा फेमस है। तो ये देखिए, ये जो बीन्स है ना, जो बोड़ा कहते हैं, ये उसका पौधा है आई गेस, क्योंकि बहुत लोग इसमें तोड़ भी रहे हैं, तो ये वो है। और थोड़े दूर चलने के बाद फिर हमारा जो मेन रास्ता है वो आ जाएगा। तो हम मेन रोड पर आ गए हैं और रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना मौसम है, सफ़र भी बहुत अच्छा है, तो बने रहिए मेरे साथ। हम जो रास्ता हमने जो लिया है वो मुंगेर बेगूसराय ब्रिज है, जो अभी नया रिसेंटली बना है, फरवरी में ही लॉन्च, अभी उसका उद्घाटन हुआ है। बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये गंगा है, गंगा की नदी पूरी चार, अब ये हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद इसके ब्रिज पे ब्रिज भी आएगा और उसे भी हम क्रॉस करेंगे। हमें दो बार गंगा नदी क्रॉस करनी है इस रास्ते में। इसी को तो हम लोग क्रॉस करेंगे पुल से, ब्रिज से, गंगा रिवर ब्रिज। अब हम मुंगेर इन कर चुके हैं। यहाँ से मुंगेर का जो किला है ये 6 किलोमीटर पर है और थोड़ी दूर पर ब्रिज भी है, तो वो जो नया ब्रिज बना है अच्छा है। तो ये है मुंगेर बेगूसराय ब्रिज और 2 लेन ब्रिज है। अभी नया ब्रिज है तो काफ़ी अच्छा है, अभी कहीं कोई टूटा फूटा नहीं है, आराम से हम इस पर ट्रिप कर सकते हैं। और जो लंबा सफ़र था वो इस ब्रिज की वजह से, इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। ये ब्रिज बनने, जब ये ब्रिज नहीं बना था तो हमें इसका रोड ट्रिप करने में 6-6.5-7 घंटे तक लग जाते थे, पर ये ब्रिज बनने के बाद 5-5.5 घंटे में आप पटना पहुंच जाएंगे। मैंने जो अपना ट्रिप शुरू किया है ये मॉर्निंग में किया है, अराउंड 7:30। और अब हम बेगूसराय में एंट्री हमारी हो गई है और एक ब्रिज था जिसको हमने क्रॉस कर लिया, अब दूसरा यमुना ब्रिज है उसे भी हम क्रॉस करेंगे। तो अब यहाँ पे टोल शुरू हो जाएगा और ये जो टोल का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो टोल है ये काफ़ी हद तक बनकर तैयार है। अब ये कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, बट मैं जब आई तो ये स्टार्ट नहीं हुआ था और उसमें ऑलमोस्ट ये डन है, बस अब इसको स्टार्ट करना है। तो अब अगर नेक्स्ट ट्रिप होगा तो ज़रूर ये स्टार्ट हो चुका होगा। और हमने जो ये रोड लिया है ये बरौनी और बीहट होते हुए रास्ता है, रास्ता काफ़ी अच्छा है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना भी चाहूँगी कि बीहट मेरा नानी घर है, मैं वहाँ से जस्ट वहाँ के रास्ते से पास आउट कर रही हूँ, तो अपना बचपन जो मुझे याद आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा सफ़र था, अपनी यादों को भी पुरानी यादों को याद किया, अच्छा रहा। मैं आप सबको भी वो झलक दिखा रही हूँ, बाहर का रास्ता है जैसे हम चांदनी चौक में, हम बस से आते थे और हम यहीं उतरते थे, तो ये है चांदनी चौक।
और यहाँ हम लोग बस से जब भी मम्मी या डैडी के साथ आते हैं तो ज़रूर यहीं से उतरते हैं, फिर एंट्री बाहर हम रिक्शा या कुछ भी करते और अंदर जाते। तो वो पल याद आ रहे थे, मज़ा आया। और अब है ये दूसरा ब्रिज, बरौनी हाईवे, जो ये है, ये पुराना है और ये काफ़ी पुराना है। इसके नीचे गंगा नदी बह रही है। मुझे याद है यहाँ पे हम सभी भाइयों बहन का मुंडन हुआ था और हम नाना जी के साथ नीचे आए। मतलब वो पल बहुत ही अच्छा मोमेंट था याद करने का, और वो वापस वो गलियाँ देखने का जो हम काफ़ी साल पहले छूट चुका था। बट हाँ, इस बार वो बहुत अच्छा लगा। और ये रहे गंगा नदी, ये रही गंगा नदी नीचे है, और ऊपर ये जो ब्रिज है, पुरानी ब्रिज है, काफ़ी पुरानी ब्रिज है, इस पर बस अभी अलाउ नहीं है। तो ये ब्रिज और इससे जस्ट सिमिलर एक नया ब्रिज बन रहा है जिसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जब स्टार्ट हो जाएगा तो आई थिंक ये रहे ना रहे पता नहीं, तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये ब्रिज कब तक शुरू होता है। तो बाढ़ में अब हमारी एंट्री हो गई, हमने कर लिया है। और आप सभी को पता है कि बाढ़ का फेमस लड्डू बहुत ही फेमस है, कहीं शॉप मिलता है तो हम ज़रूर खरीदेंगे। तो देखते हैं कहीं शॉप मिल जाए। तो आखिरकार मुझे ये लड्डू मिल ही गया और हमने वहाँ से ले लिया। किस किस को वहाँ का लड्डू पसंद है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, हम पटना पहुंच चुके हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर है और अब हम पटना सिटी में एंटर कर चुके हैं। पटना सिटी में रश है 15 मिनट वहाँ, और हम लड्डू भी लिए तो उसमें भी टाइम लगा। अराउंड अप्रॉक्स हम 1:30 बजे तक पटना पहुंच गए थे, अपने घर पहुंच गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।